नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन और पाक की नाक में दम करने वाले योद्धा के भारत में स्वागत की घड़ी आ चुकी है। अगले हफ्ते 27 जुलाई को 6 राफेल फ्रांस से चलकर भारत की माटी को स्पर्श करेंगे। इसी के साथ दो खुरापाती पड़ोसी की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। राफेल विमान उस योद्धा का नाम है जिसने दोनों मुल्क को यानी भूमाफिया चीन और रेडिकल इस्लामी पाकिस्तान की धड़कने बढ़ा रखी है। यह तब है जबकि अभी राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल भी नहीं हुआ है। जिस दिन इंडियन एयरफोर्स इसकी तैनाती का फैसला करेगी उसके बाद चीन पाकिस्तान में खलबली बढ़ना तय है। भारत में राफेल के स्वागत के लिए सेना के साथ देश भी रोमांचित है। उच्च अधिकारियों में बैठकें हो रही है कि पहले 6 राफेल को किन स्थानों पर तैनात किया जाएगा, मगर अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ द्वारा जारी इनपुट ने सरकार में हड़कंप मचा दिया है। इस खुफिया इनपुट में आगाह किया गया है कि चीन की सह पर पाकिस्तान की ISI राफेल को रास्ते में ही ठिकाने लगाने की बड़ी साजिश रच रही है। इसके लिए चीन अपनी तकनीक और खुफिया एजेंसी MSS के माध्यम से IS को बैक सपोर्ट और मोटा पैसा दे चुका है। चीन इस प्रयास में लग चुका है कि फ्रांस से चले राफेल भारत तक नहीं पहुंच सके। उसने ISI को इसके लिए राफेल के भारत तक के रूट का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। साथ ही एक गुप्त मिशन के तहत इन विमानों को ठिकाने लगाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। खबर है कि पाकिस्तान भी अपने स्तर पर इस मिशन को कामयाब करने में जुट गया है। पाकिस्तान और चीन के षड्यंत्र की भड़क मिलने से जहां सेना की टेंशन बढ़ गई है, वहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस और रो को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। अब हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स को मिली इस रिपोर्ट को भी समझ लीजिए जिसमें फ्रांस से भारत तक राफेल को लाने का रूट तैयार किया गया है, क्योंकि राफेल विमानों पर खतरा फ्रांस और भारत की सीमा में नहीं है, बल्कि जिन देशों की सीमाओं से इन विमानों को गुजरना है असली मुश्किल वहीं पर आनी है। यही पर भारत खुफिया एजेंसियों की परीक्षा होगी। भारत द्वारा जो योजना तैयार की गई है उसके मुताबिक पायलट राफेल को उड़ाकर सीधे भारत नहीं लाएंगे, क्योंकि फ्रांस से भारत तक के रास्ते में दूसरे देशों की हवाई सीमा में भी उन्हें प्रवेश करना होगा। इसके लिए वायुसेना के पायलटों को खास ट्रेनिंग दी गई है। ये सभी 6 विमान एक साथ उड़ान भरेंगे। बोर्डोक से जामनगर तक उड़ान भरने के दौरान पायलट संकेतों के जरिए एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे। इसके लिए India 1 और India 2 कोड वर्ड रखे गए हैं। ये कोड पायलट की संख्या पर निर्भर होंगे। इसी सांकेतिक भाषा के जरिए पायलट एक दूसरे को यह बताएंगे कि वे किस देश की हवाई सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। ये लड़ाकू विमान भी सामान्य विमानों की तरह 33,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ेंगे। एक समूह में सभी विमानों को रखा जाएगा। साथ ही एक परिवहन विमान भी पूरे सफर में राफेल विमान के साथ रहेगा। इस विमान में अतिरिक्त पायलट, राफेल का अतिरिक्त इंजन और अन्य जरूरी उपकरण मौजूद होंगे, ताकि कहीं बीच में कोई खराबी आती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। राफेल विमान फ्रांस से भारत तक के सफर में करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेंगे। हालांकि यह उसकी शीर्ष गति से काफी कम है। राफेल की अधिकतम गति 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्रांस के बोर्डोक से उड़ान भरने के बाद राफेल विमान 2 बार ईंधन भरने के लिए रुकेंगे। इस प्रक्रिया में पहला पड़ाव ग्रीस या फिर इटली हो सकता है। इसके बाद ये विमान दोबारा ईंधन भरने के लिए तुर्की या ओमान में ही रुकेंगे। ओमान से ईंधन भरने के बाद राफेल सीधे गुजरात के जामनगर के लिए उड़ान भरेंगे और 27 जुलाई को भारत की धरती को स्पर्श करेंगे। जामनगर में कस्टम विभाग की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राफेल विमान अंबाला एयरबेस लाए जाएंगे। अभी तक भारत ने बोर्डोक से जामनगर तक का राफेल के लिए यही रूट प्लान बनाया था, मगर खुफिया अलर्ट के बाद अब सरकार चौकन्ना हो गई है। बताया जाता है कि अब इस रूट में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा रहा है। साथ ही उन देशों की हवाई सीमा की समीक्षा भी की जा रही है जहां से राफेल को किसी तरह का खतरा हो सकता है। इसमें बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब राफेल तुर्की की बजाय ओमान से ईंधन भरेगा। तुर्की को लेकर खुफिया एजेंसियों में काफी मतभेद थे, इसलिए अब ओमान में राफेल की लैंडिंग पर सभी की सहमति हो गई है। राफेल का पहला पड़ाव ग्रीस या इटली में कहां पर होगा, इस पर अभी विचार चल रहा है, परंतु इन दोनों ही देशों में इटली को लेकर ज्यादा रजामंदी नहीं है। चीनी खुफिया एजेंसी MMS का इटली में बड़ा नेटवर्क मौजूद है। यहां पर राफेल को उतारने पर सरकार पूरी तरह दुविधा में है। हो सकता है कि राफेल ग्रीस या अन्य किसी देश में लैंड कराया जाए, यानी खुफिया इनपुट के बाद सरकार बेहद फूक फूक कर कदम रख रही है। हालांकि भारत के लोग राफेल के लिए उत्साहित हैं, मगर उन्हें भारत तक लाने में सरकार को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है।
आईएसआई अपना जाल बिछाने में लगी है, जबकि चीन के एमएमएस अपनी पूरी ताकत राफेल को भारत तक नहीं पहुंचने के लिए झोंक रही है। एजेंसियां उन बिंदुओं पर समीक्षा कर रही है जहां 6 राफेल विमानों को रास्ते में खतरे हो सकते हैं। यह विमान जितनी देर हवा में रहेंगे इनकी सुरक्षा को मुश्किल बनी रहेगी। एजेंसियां अनुमान लगा रही है कि शत्रु किन किन तरीकों से इन्हें हानि पहुंचा सकता है। इसके लिए इनके सुरक्षित हवाई पथ की निरंतर समीक्षा भी की जा रही है। इसके अलावा राफेल की उड़ान के दौरान ऊंचाई कम या ज्यादा भी की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि सेना की विशेष इकाई खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर इनके हवाई पथ की लगातार निगरानी भी करेगी। जिन देशों में आतंकियों के नेटवर्क मौजूद है उस देश के एयर स्पेस से अब राफेल को नहीं गुजारा जाएगा। राफेल जैसे विशेष फाइटर जेट के भारत को मिलने से चीन और पाकिस्तान बुरी तरह भन्नाए हुए हैं। इन देशों को भारत की अशक्ति रास नहीं आ रही है। एलएसी से लेकर एलओसी तक राफेल कहर ढाने की क्षमता रखता है। ऐसे में चीन और पाक की खुफिया एजेंसियों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। मकसद यही है कि राफेल फ्रांस से टेक ऑफ जरूर करे पर वह भारत तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो। यह भारत खुफिया एजेंसियों की कामयाबी ही मानी जाएगी जो समय रहते उन्हें इस खतरे का आभास हो गया है। मगर संकट अभी टला नहीं है। बताया जाता है कि आधे राफेल विमान मिसाइल से सुसज्जित होकर उड़ान भरेंगे ताकि किसी भी अटैक की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की जा सके। जहां जहां विमानों की सुरक्षा को जोखिम हो सकता है उस हवाई क्षेत्र में राफेल ज्यादा तेज गति से अपना सफर तय करेंगे ताकि रडार की पकड़ में आने से बचा जा सके। हालांकि सरकार ने इन देशों के एटीसी को विदेश विभाग के माध्यम से पहले ही पूरी सूचना भिजवा दी है और उनकी स्वीकृति भी पूरी तरह हासिल कर ली गई है। मगर इन देशों को भी राफेल के रूट टाइम टेबल का ब्यौरा फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके लिए उस देश के एयर स्पेस में घुसने से कुछ मिनट पहले ही इसकी सूचना दी जाएगी। यानी सरकार राफेल को लेकर बेहद गंभीर है और वो कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसी आईएसआई की कार्य प्रणाली को अच्छी तरह समझती है। उसके मंसूबे ध्वस्त करना भारत के लिए मुश्किल काम नहीं है। मगर चीन की खुफिया एजेंसी एमएमएस के बारे में ज्यादा तजुर्बा हमारी खुफिया एजेंसियों को नहीं है। एमएसएस के काम करने का तरीका बेहद ही शांत और सातिराना होता है। एमएसएस अपने मिशन में ह्यूमन नेटवर्क की अपेक्षा तकनीक का अधिक इस्तेमाल करती है। खास बात यह है कि उनकी किसी भी गतिविधि को इंटरसेप्ट करना बेहद ही मुश्किल काम है। ऐसे में भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राफेल का रास्ता खतरे से खाली नहीं है। उन पर रॉकेट लॉन्चर या लेजर वेपन जैसे छुपे हथियारों से हमला हो सकता है। इसके अलावा चीन की एमएसएसएस तकनीक के माध्यम से एटीसी से उनके संपर्क में बाधा भी पहुंचा सकती है। यानी भारत से खार खाए बैठे चीन और पाकिस्तान भारत को क्षति पहुंचाने की हर संभव चेष्टा कर रहे हैं। पर लगता यूं है कि इन खुरापाती देशों के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत आज भी इनसे 2 कदम आगे है। साथ ही फ्रांस ने भी इन विमानों के भारत तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। फ्रांस ने तय किया है कि राफेल के टेक ऑफ के वक्त को फिलहाल गुप्त रखा जाएगा। जिस वक्त राफेल फ्रांस से रवाना होंगे उस दौरान सरकार और कंपनी के विशेष प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। राफेल के टेक ऑफ करने से 1 घंटा पहले और बाद तक कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्रांस अब इस मामले में कोई भी ढील देना नहीं चाहता है। एक प्रकार से राफेल की डिलीवरी उसके लिए भी चुनौती बन गई है। हालांकि कोई भी विक्रेता देश अपनी सीमा तक ही सामान की गारंटी देता है, परंतु फ्रांस ने आगे की हवाई यात्रा में भी अपना सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। पर भारत इस तरह की शरारतों से घबराने वाला मुल्क नहीं है। दुश्मन के मनसूबों को नेस्तनाबूद करने की ताकत भारत में मौजूद है। चीन या पाकिस्तान कितने भी घोड़े दौड़ाए 27 जुलाई को राफेल न केवल भारत की धरती को नमन करेंगे बल्कि आने वाले वक्त में इन दोनों खुरापातियों को भी भस्म करेंगे। राफेल इन्हीं खुरापातियों का काल है, इसलिए इनकी फटना स्वाभाविक है। हैरानी की बात यह है कि जिनकी 6 राफेल से ही धड़कने बढ़ी हुई है, फरवरी 2021 में 12 और अप्रैल 2022 में 18 राफेल आएंगे तो इनकी हालत शायद पांव पे खड़े होने लायक नहीं रहेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।